221 रुपये दिखा रहा है। तो भाई हमारे पहली राइड मिली है दादरी की। इसमें तो बस पूछो मत ना, एक राइड ले गया हूँ 25 किलोमीटर, वो भी दादरी, या दादरी से खाली आ रहा हूँ। आज मैं खुलासा करूंगा जोमेटो बेस्ट है या रैपिडो बेस्ट है, ठीक है। तो गाइस हमारा ऑर्डर हो गया रेडी, अब चलते हैं इस कस्टमर की जस्ट लोकेशन पे। तो गाइस मैंने अपनी ड्यूटी तो कर दी अपनी ऑफ, और दिखा दूंगा कि आज की इनकम कितनी थी कितनी नहीं। तो गाइस आज की इनकम में देखो, राम राम, सत श्रीकाल, कैम छो, सलाम भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस सबसे पहले आप लोग गुड मॉर्निंग, और टाइम हो रहा है गाइस 10:28 हो रहे हैं। तो गाइस मेरी पहली राइड आ चुकी है, तो देखो गाइस पहली राइड ये रही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भगवान से दुआ करो कि ये राइड कैंसिल ना हो, फटाफट गाइस मैं निकलता हूँ घर से, और मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ मोटो ब्लॉग के सेट पे। तो गाइस हमारे कस्टमर इधर ही खड़े होंगे, वैसे उनको करना है पिकअप, है पहुँचने वाला हूँ जस्ट उनकी लोकेशन पे। थोड़ा सा रॉन्ग साइड लेना पड़ेगा हल्का सा, क्योंकि यू टर्न लेकर आऊँगा तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा लेना पड़ेगा। गाड़ी से गाड़ी आ रही है यहाँ से, तो ये निकालनी पड़ेगी अपनी पसंद की। खड़े हुए हैं हमारे कस्टमर इधर की तरफ भी। तो गाइस हम आ गए हैं कस्टमर की जस्ट लोकेशन पे, बस यहीं का ही है। आगे भैया जी, आगे आगे आगे। तो हमारे कस्टमर आ चुके हैं। आप ही हो, आप ही हो। हाँ। दादी दिया ना, कितना अमाउंट दिखा रहा था? 221 रुपये दिखा रहा है। तो भाई हमारे पहली राइड मिली है दादी की। पहले एक को मिली थी, अच्छा। उसकी बैटरी, उसका इलेक्ट्रिक वाला था, उसकी बैटरी डाउन है, ये थोड़ा इमरजेंसी का केस है, कह रहा भैया। अच्छा अच्छा, आधा पौना घंटा और लगेगा। नहीं 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 नहीं, बैठो बैठो, ये नहीं, मेरे को नहीं जाना है। किसको जाना है? दवाई ले जानी है। अच्छा, दवाई लेके जानी है। हाँ। अरे और किसी को जाना नहीं है। अच्छा, दवाई लेके जानी है। तो दवाई तो आपकी, दवाई पहुँचानी है वहाँ पे, जो लोकेशन जो आपने डाली है वहाँ लोकेशन पे मिलेंगे मुझे। पापा ही हैं। अच्छा चलो ठीक है भैया जी। अच्छा ओके। तो गाइस हमें पहुँचानी है दवाई, बस ऐसे छोटे मोटे कोरे मिलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे जाना है दादरी, बस ऐसे ऐसी राइड मिल जाए भगवान, बस मेरा काम हो जाए, मेरे घर का खर्चा पर्चा तेल पेल बस निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते गाइस सीधा दादरी। तो गाइस माई फेवरेट पुल आ चुका है सामने, तो इसे हम छोटा सा, एक छोटा सा रेलवे का ब्रिज बोल सकते हैं इसे। तो ये देखो, मैं हमेशा इसके शॉट लेता हूँ हमेशा, जब भी जाता हूँ गाइस देखो क्या अच्छा सा व्यू आएगा, देखो क्या अच्छा सा व्यू आ रहा है, देखो इधर देखो, इधर देखो, सामने देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और बस गाइस हमें लाल कुआ से राइट टर्न लेना है, हमारे देश का झंडा देखो कैसा लहर रहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। चलो गाइस यहाँ से लेते हैं हम यू टर्न। चलो भैया थोड़ा थोड़ा ले लो, चलो 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 चलो, अपनी तो बाइक निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे ज़्यादा निकलता हुआ, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, चल चल चल। ये लो जी गाइस, हमने तो ले लिया यू टर्न, तो अब जाएंगे हम सीधे, अब हमें कहीं नहीं मुड़ना, अब हमें जाना सीधे। तो गाइस अब हम दादरी में घुसने वाले हैं, ये है गाइस दादरी का बाईपास, हम जाएंगे गाइस अंदर कर, क्योंकि हमें अंदर ही पार्सल अपना पहुंचाना है। तो गाइस हमें लेना है आगे से लेफ्ट टर्न, और बस इसी गली से लेना है यहाँ से। चलो जी चलो, यहाँ पे भैया कोई पार्टी वगैरह हो रही दिखा है, कोई स्टोर खुला दिखा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है पीछे। अरे भैया कौन सी जगह दिखा रहा है? ये वाली दिखा रहा दिखा है, चल 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 चल, देखो चौंधा था ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आगे है। तो ये है गाइस दादरी की पतली पतली गलियाँ, ये आगे ही देना है, थोड़ा भैया साइड हो जाओ। हा 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 हा, वाओ, रोक दे भैया, चल 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 चल, हो गया काम अपना। हाँ तो भाई लोकेशन जो दिखा रहा था यहीं की लोकेशन दिखा रहा था, तो हम कर लेते हैं कॉल। हाँ आगे आगे आगे, आंटी जी बाहर ही खड़ी हैं। चलो 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 चलो, आपका है? हाँ भैया मैं पहुँच गया, आंटी जी हैं बाहर। ठीक है ठीक है ठीक है, दे देता हूँ भैया, ये लीजिए आंटी जी। ठीक है यार, बस यहाँ से ना राइड बज जाए बस वापसी की, तब तो मज़ा आ जाए, इतने दूर आने का फ़ायदा तभी तो होगा कि हाँ मैं इतनी दूर आया, मुझे राइड बज गई। और आप गाइस देख रहे हो बागेश्वर धाम, बाबा का पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, और आगे भी लगा हुआ है। और इस टाइम गाइस मैं दादरी में घूम रहा हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जल्दी से फटाफट आप लोग दुआ करो कि यहाँ से मुझे राइड मिल जाए,
वापसी की, और मैं यहाँ से यू टर्न लेके आगे जाके खड़ा होता हूँ। भाई राइड तो खैर बजी नहीं, पर सोच रहा हूँ कहीं खड़ा हो जाऊँ छाया वगैरह में, क्योंकि मुझे यहाँ पे घूमते घूमते हो गया कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए गाइस, राइड नहीं बजी। मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ यहाँ पे कहीं छाया में, क्योंकि मैं पीछे भी खड़ा रहा और थोड़ा थोड़ा आगे उछल के भी आता रहा कि बजेगी बजेगी, यहाँ पे तो खैर बज नहीं रही भाई। चलो गाइस यहाँ पे रुकते हैं छाया में, अगर बजनी होगी तो यहाँ से बज जाएगी, और नहीं तो गाइस फिर अपने घर की तरफ मेरे को मोड़ेंगे। तो गाइस काफ़ी देर के बाद राइड नहीं बजी है, और अब मैं चल दिया हूँ इंदिरापुरम की तरफ, और लाल कुआ थोड़ी देर रुकूँगा, अगर लाल कुआ से राइड बज गई तो ठीक है, अगर नहीं बजी तो फिर गाइस मैं अपनी लोकेशन की तरफ चलता रहूँगा, और देखते हैं गाइस। वैसे तो खैर मैं मंदा मंदा चल रहा हूँ, ज़्यादा कोई स्पीड नहीं है, मैं आराम से, अगर राइड बच गई ना तो तुरंत के तुरंत मुझे राइड उठाकर तुरंत के तुरंत कस्टमर की जैसे लोकेशन पर पहुँचना है। तो गाइस मेरे पास एक राइड बच चुकी है, और थैंक यू सो मच यार, एक राइड बजी है, और ये नहीं पता कहाँ की बजी है, क्योंकि मैंने चलते चलते उठा ली। अब देखता हूँ भाई कहाँ की राइड है कहाँ की नहीं, भाई आगे से ही उठाना है कस्टमर को। अरे यार गाइस कैंसिल भी कर दी यार, और देख रहे हो गाइस अच्छी खासी राइड बजी ही कैंसिल कर दी, बताओ। और यहाँ से गाइस लाल कुआ जो है ना, लाल कुआ यहाँ से गाइस 5 किलोमीटर है, लाल कुआ तक की राइड मिल जाती कोई दिक्कत नहीं थी, पर कम से कम राइड मिल तो जाती, इसलिए गाइस दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइड नहीं मिलती यार आ जाओ अब फिर जाओ पेट्रोल फूक के आओ यार, 50 किलोमीटर पड़ गया बताओ, 25 आने का 25 जाने का, समझ में नहीं आ रहा। देख रहे हो लड़की हाईवे पे चल रही है, हेलमेट नहीं लगा रही है बिल्कुल भी, और देख रहे हो NH24 पे चल रही है, हेलमेट है इनके पास, देख रहे हो इनके पास हेलमेट, हाँ हेलमेट, हेलमेट नहीं है बिल्कुल भी, ये खामखा ऐसा का घूम रहे कि बगैर हेलमेट के, कोई डर ही नहीं है इनको, NH24 हाईवे पे चल रहे हैं यार बगैर हेलमेट के, देख रहे हो इनका कोई चालान वगैरह नहीं काटेगा लड़कियों का, मैं बंदा दो दो हेलमेट ले लेकर घूम रहा हूँ, मैंने खुद ही हेलमेट लगा रखा है, वो बगैर हेलमेट के NH24 पे चल रही है, वो बगैर हेलमेट के। तो गाइस मैं आ गया हूँ इंदिरापुरम में, और मेरी कोई भी राइड नहीं बजी है, एक बजी थी वो तुरंत की तुरंत कैंसिल हो गई थी, सीधा आ गए यहाँ पे, और वो भी ओपन कर रहा है देखो, एक भी राइड नहीं बजी, दिमाग ख़राब है बताओ मेरा, मुझे लग रहा है कि फिर से यार जोमेटो ही जॉइन करना पड़ता दिखेगा, क्योंकि यार जो जोमेटो में चल रहा था अपना 600-700 रुपये वाला, वही करना पड़ता दिखेगा, कम से कम उसमें ये तो नहीं रह रहा था, इसमें तो बहुत बुरा हाल है, इसमें तो बस पूछो मत ना, एक राइड ले गया हूँ 25 किलोमीटर, वो भी दादरी से खाली आ रहा हूँ, देख रहे हो ना खुद पे खुद ही, अब बताओ। तो गाइस मैं तो आ गया हूँ सीधा घर पे, और गाइस लगा लो 25 किलोमीटर गया 25 किलोमीटर वापसी आया, तो कोई राइड नहीं बजी, तो कोई फ़ायदा नहीं है रैपिडो में करना। तो आज शाम को जो मेरा जो प्लान है, शाम को प्लान ये है मैं जोमेटो में वापसी जा रहा हूँ काम करने के लिए, और 6 बजे से और रात के 10 या 10:30 बजे तक करूँगा, और उसमें देखूँगा गाइस कि कितने की मेरी इनकम हुई कितने की नहीं, अगर उसमें अच्छी खासी इनकम हुई है ना, अगर 500-600 भी काम हुआ ना कर लूँगा मैं, अगर उसमें भी यही बुरा हाल रहा तो बिल्कुल नहीं करूँगा, फिर मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो गाइस मैं स्नान तो खैर हो गया, तो गाइस यहाँ पे आ गया मेरा खाना, तो आज बनाई है मम्मी ने कड़ी पकौड़ी और साथ में गाइस रोटी, तो गाइस आप भी खाना खा लीजिए फटाफट, गाइस खाना खाते हैं और उसके बाद हम आपको मिलते हैं शाम को। तो गाइस शाम हो चुकी है, मैं हो गया हूँ गाइस रेडी, अब 6:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, तो अब मैं जा रहा हूँ गाइस जोमेटो में काम करने के लिए, और आप देखते हैं गाइस कितने की इनकम हो पाती है कितने की नहीं, आज मैं खुलासा करूँगा जोमेटो बेस्ट है या रैपिडो बेस्ट है, ठीक है। तो गाइस मैं तो आ गया हूँ अपने अड्डे पे, और गाइस यहाँ पे मेरी गाड़ी हो चुकी है एकदम ओके, और देखो मैंने अपनी आईडी भी ओपन कर रखी है जोमेटो की, ये देखो ऑनलाइन आईडी है, और जो भी ऑर्डर बजेगा तुरंत के तुरंत बच जाएगा। तो गाइस हमारे पास पहला ऑर्डर आ चुका है, ये ऑर्डर आएगा इस प्रताप विहार का रॉयल टावर, तो यहाँ से गाइस 7.5 किलोमीटर, और भाई साहब हमारा ऑर्डर आ चुका है यार, हो गया शुक्रिया भाई थैंक यू। तो गाइस हमारा ऑर्डर हो गया रेडी, अब चलते हैं गाइस कस्टमर की जस्ट लोकेशन पे। तो गाइस इसमें से वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ा, फिर 20 मिनट के बाद तुरंत की तुरंत ऑर्डर बच गया, और मेरा ऑर्डर मिल भी गया,
है कि अपने ऊपर बात है, आप करना चाहो वो रात कर लो, और करने को तो आप ऐसे 5 टाइम कर लो। ये तो मेरी आईडिया कभी भी ऑन हो जाती है, कभी भी बंद हो जाती है। ये गिग्स वाली आईडी नहीं है, ये सर्च वाली आईडी है। तो गाइस हम आ गए कस्टमर की जस्ट लोकेशन पे, और यहाँ पे गाइस कुछ भी नहीं था। आज देखो, आज यहाँ पे बस सोसाइटी बन गई है, देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। 2015 की बता रहा हूँ मैं, 2015-16 में हम घूमते थे यहाँ पे, लो। और आज यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है। अच्छा, ये रहा एफ टावर, यहाँ पे खड़ी कर देते हैं और एंट्री करा कर देते हैं गाइस ऑर्डर। भाई इनकी तो लड़ाई होने लगी, भाई, ये तो तकड़े तरीके से लड़ेंगे। लड़ दो भाई तुम, मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे। इनकी तो लड़ाई चालू हो गई बीच रोड पे ही। तो गाइस मैंने अपनी ड्यूटी तो कर दी अपनी ऑफ, और दिखा दूंगा कि आज की इनकम कितनी थी कितनी नहीं। तो गाइस आज की इनकम है, देखो 500 रुपये है टोटल, यानी कि मुझे टिप भी मिली है, 20 रुपये टिप भी मिली है। और देखो, और कितने घंटे लॉग इन हूँ, 3.5 घंटे, और कितने ऑर्डर मारे, 5 ऑर्डर, दिख गए आपको। जोमेटो सबसे बेस्ट है, मुझे तो सबसे बेस्ट लगी जोमेटो। और रैपिडो में तो गाइस आपको पता है कि मैं कल कितना परेशान था कितना नहीं, आप लोग खुद पे खुद देख सकते हो वीडियो, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। तो भाई अब मैं जोमेटो ही चलाऊंगा, और जोमेटो सबसे बेस्ट है, मुझे तो लगी सबसे बेस्ट, औरों का पता नहीं, ठीक है ना। और देखो आईडी भी मैंने ना बड़ी जल्दी बंद कर दी थी, देखो टाइम देखो 10:23 हो रही है, और मैंने आईडी बंद कर दी थी 10:21 पे। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा घर, तो मैं गाइस आपको मिलता हूँ डायरेक्टली सीधा घर पे, ठीक है। तो गाइस मैं तो आ गया हूँ सीधा घर पे, और गाइस टाइम हो रहा है 11:53 हो रही है, और आज का काम गाइस मैंने आपको दिखा दिया है कि जोमेटो में कितना काम था कितना नहीं। कभी कभी गाइस क्या होता है कि मन में ना परेशान हो जाता है जब दिन में काम नहीं होता है, जैसे कि आपने दिखा हुआ परसों 186 दिन कितने रुपये काम था तो दिन में, तो इसलिए गाइस मेरा मन टूट गया था। फिर मैं रैपिडो में गया, तो रैपिडो में तो गाइस पूछो मत ना, कि रैपिडो में भी बहुत बुरा हाल, जोमेटो से बहुत बुरा हाल। अब यही है कि जो छोड़ा उसी में चले जाओ, अब वही काम करूँगा गाइस, ओनली जोमेटो पकड़ कर। अच्छा, अपना 400 का काम हो या 500 काम हो, बस जोमेटो में करता रहूँगा, सबसे बेस्ट जोमेटो, करते रहो जोमेटो। तो इस ब्लॉग को गाइस मैं यहीं एंड करता हूँ, और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो गाइस लाइक कमेंट चैनल को ना सब्सक्राइब, और बेल आइकन कर देना ऑल पे, कि जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मिलते गाइस नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। राम राम, ससेकाल के एम छो साल वाली, मिलते गाइस नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। क्या कर रहा है यार, क्या नहीं कर रहा, दिखाई नहीं दे रहा तुझे, बकवास कर रहा है, खाना खा दिखाई दे नहीं रहा बिल्कुल, इतनी तेज आया निकल के, बड़ी तेज।